जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिन भर काम में लगे रहना। अब जोशी जी आ गए हैं ड्यूटी से और उन्हें चाय वाय भी मैं दे के आ गई। अब मैं आप लोगों को इसके साथ साथ ये जो मेरा घर का काम है इसके साथ में अच्छा सा एक फिर पितरों का आपको मैं भजन सुनाऊंगी, आप ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके, सभी लोगों का बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और काफ़ी शेयर भी कर दीजिएगा, जैसे कोई बड़े बुजुर्ग लोग हैं शेयर करना वो नहीं समझते, कितने लोग जैसे नया नया यूट्यूब, हम ही लोगों को कोई जानकारियाँ नहीं होती थी, अभी भी सारी चीज़ें हमें भी नहीं आती हैं, तो आगे को भेज दीजिएगा और जो लोग समझते हैं वो शेयर कर दीजिएगा। और हमारे उत्तराखंड की रीति रिवाज, हर समय इंसान को एक्टिव रहना चाहिए, खूब मेहनत करना चाहिए, घर एक मंदिर है और मैं क्या कहूँ ज़्यादा। तो मित्रों मैं भजन आपको सुना रही हूँ, तो मित्रों मैं आपको एक भजन क्या गाना, मतलब सरादों वाला भजन ही आप ये लगाइए, माता पिताजी के लिए, मतलब जो लोग सेवा नहीं करते माता पिताजी की उनके लिए है, करनी चाहिए माता पिताजी की, तो मैं रोज ही बोल रही हूँ, लेकिन एक भजन इसमें मैं गाऊंगी आप लोगों को। माता पिता को जिसने दिया कष्ट, माता पिता को जिसने दिया उसको मंदिर में जाने से क्या फायदा, उसको मंदिर में जाने से क्या फायदा, कष्ट माता पिता को जिसने दिया कष्ट, माता पिता को जिसने दिया उसको मंदिर में जाने से क्या फायदा, उसको मंदिर में जाने से क्या। काशी मथुरा चला तीर्थ करने भला, काशी मथुरा चला तीर्थ करने भला, गंगा यमुना नहाने से क्या फायदा, गंगा यमुना नहाने से क्या फायदा, कष्ट माता पिता को जिसने दिया कष्ट, माता पिता को जिसने दिया उसको मंदिर में जाने से क्या फायदा, उसको मंदिर में जाने से क्या फायदा, उसको मंदिर में जाने से क्या फायदा, कष्ट माता पिता को जिसने दिया उसको मंदिर में जाने से क्या फायदा, उसको मंदिर में जाने से क्या फायदा, फूल मंदिर में दो चार अर्पण किए, फूल मंदिर में दो चार अर्पण किए, ऐसे ईश्वर को किसने बस में किया, ऐसे ईश्वर को किसने बस में किया, फूल मंदिर में दो चार अर्पण किए, फूल मंदिर दो चार अर्पण किए, ऐसे ईश्वर को किसने बस में किया, ऐसे ईश्वर को किसने बस में किया, कष्ट माता पिता को जिसने दिया कष्ट, माता पिता को जिसने दिया उसको मंदिर में जाने से क्या फायदा, उसको मंदिर में जाने से क्या फायदा, कष्ट माता पिता को जिसने दिया उसको मंदिर में जाने से क्या फायदा, पाँव माता पिता के पूजे नहीं, 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 पाँव पत्थर के पूजे से क्या फायदा, पाँव पत्थर के पूजने से क्या फायदा, कष्ट माता पिता को जिसने दिया कष्ट, माता पिता को जिसने दिया उसको मंदिर में जाने से क्या फायदा, उसको मंदिर में जाने से क्या फायदा, उसको जीते माता पिता की न सेवा करी, जीते माता पिता की न सेवा करी, गाय कौओं की सेवा को थाली भरी, गाय कौओं की सेवा को थाली भरी, कष्ट माता पिताजी को जिसने दी
जिसने दिया उसको मंदिर में जाने से क्या फायदा, उसको मंदिर में जाने से क्या फायदा। माता पिता को जिसने दिया कष्ट, माता पिता को जिसने दिया उसको मंदिर में जाने से क्या फायदा, उसको मंदिर में जाने से क्या फायदा, उसको मंदिर में जाने से क्या फायदा। क्यों बनारस गया मैं श्राद्ध करने लगा, इसमें धन को लगाने से क्या फायदा, इसमें धन को लगाने से क्या फायदा। कष्ट माता पिता को जिसने दिया, जस्ट माता पिता को जिसने दिया, कष्ट माता पिता को जिसने दिया उसको मंदिर में जाने से क्या फायदा। तो मित्रों कैसा लगा मेरा भजन जरूर आप बताइएगा। और जिन जो लोग कष्ट देते हैं माता पिता को, कोई पूजा पाठ करके भी कोई फायदा नहीं है, माता पिता को सदा खुश रखना चाहिए। तो कैसा लगा मेरा भजन जरूर बताइएगा। माता पिताजी का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए, जिनने जन्म दे रखा है, जिनने इतना पाल पोस के बड़ा किया, उनका सम्मान उनकी इज्जत करनी चाहिए। पूजा पाठ करने से भी कोई फायदा नहीं है अगर माँ बाप की सेवा नहीं हो पाई।